हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल सीखे सीख। दिल वालों को मेरा सलाम। हम बात करने वाले हैं दीमक के ऊपर। एक्चुअली दीमक जो है दो तरह से लगती है। एक तो आपके वुडन पे भी लगती है, जैसे कि आपकी लकड़ी होगी उसके ऊपर वो कहीं पे लग जाएगी और धीरे धीरे उस लकड़ी को ख़त्म कर देगी। अंदर से बिल्कुल थोथा हो जाता है वो धीरे धीरे, और वो एकदम से ख़त्म होती है। दीमक जो है एक, जैसे आप कीड़ी देखेंगे छोटे छोटे एंट्स जो होते हैं उनकी तरह होती है, और ये ज़मीन से ज़्यादातर ज़मीन के अंदर पाई जाती है। आपके वहाँ के एरिया में अगर ज़मीन के अंदर दीमक होगी तो आपके घर के अंदर भी दीमक मिलेगी। अगर आप देखेंगे कि कई जगह पे जो है दीवारों पर भी दीमक आ जाती है, जो है दीवारों पे एक आपको मिट्टी की लाइन नज़र आएगी जिससे वो उससे ऊपर चढ़ती है। अब दीमक एक दीवारों के से आपके जो है लाइन बनाते बनाते अगर वुडन तक पहुंच जाती है, लकड़ी तक पहुंच जाती है, तो उसको ख़त्म कर देती है। अब इसको बचाने के लिए, दीमक से बचने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका लकड़ी का फर्नीचर है, अगर आप उसको धूप में रख सकते हैं तो धूप में रख सकते हैं, किरने से भी जो है दीमक चली जाती है। ये हो गया सस्ता तरीका। और ऐसे ही आजकल खटमल और चल रहे हैं, जैसे कि एरिया में कहीं पे खटमल है तो उन खटमलों को भी एक ही ये दवाई से दोनों, आपका दीमक और आपके खटमल जो आपके गद्दों के अंदर या फिर फर्नीचर के अंदर, वुडन फर्नीचर के अंदर भी घुस जाते हैं ये खटमल भी, तो वो भी आपको परेशान करते हैं। अब खटमल कैसे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में खटमल आ गए हैं? जैसे ही आप रात को सोएंगे तो रात को आपको लगेगा काटा खींची चीज़ है, और सुबह आप मॉर्निंग में देखते हैं तो आपको अपने जो स्किन के ऊपर एक रेड डॉट नज़र आएगा और काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, तो उससे की पहचान होती है कि ये खटमल का निशान है। मतलब आपको जो काटा है वो खटमल ने काटा है, ना कि किसी भी मच्छर ने। कई बंदे सोच रहे थे कि मच्छर ने काटा है, मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खटमल भी, आपको एक ही दवाई खटमल और दीमक के लिए यूज हो जाएगी। अब वो दवाई है ये, आप देख पा रहे हैं, ये है टर्मिनेटर वुडन स्पेशल, ये वुड के लिए होता है। इससे आपके जो है दीमक ख़त्म हो जाएगी। आपके फर्नीचर में जहाँ पे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एनपैक्स इंसेक्ट किल फॉर्मूला, ये इको फ्रेंडली है आपका। अगर आप, और ये स्पेशल आप देखेंगे तो ये कोई लोकल ब्रांड नहीं है, ये पिडलाइट का ब्रांड है। पिडलाइट जो फैब्रिकॉल भी बनाती है आपकी, आपके एमसील भी आती है, और फैब्रिकॉल जो आपका जो लकड़ी को जोड़ने वाला फैब्रिकॉल भी यूज़ होता है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, ना कि कोई लोकल कंपनी। इनकी एमसील भी काफ़ी अच्छा यूज़ करती है, अगर आपने यूज़ किया हो तो। इसके साथ हमें एक ये पाइप मिलता है, एक पाइप, जैसे कि हम कहीं पे, एक बार खोलता हूँ मैं इसको कैप, अब इसके ऊपर लगा के हमें कहीं पे ऐसी जगह स्प्रे करना है जहाँ पे डायरेक्ट स्प्रे नहीं कर पा रहे, मतलब कि कोई भी छोटी सी जगह है जिससे जहाँ पे दीमक वगैरह लगी है, या अलमारी के कबर्ड के पीछे, तो आप यहाँ पे यूँ करके स्प्रे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट दे रखा है, देखा जाए तो। वापस इसको मैं रख देता हूँ। अब आप देखेंगे तो इसकी, ये मेरे को कितने की पड़ी, तो ये मुझे पड़ रहा है, इस पे MRP 155 है। ये आप किसी भी हार्डवेयर शॉप से ले सकते हैं, ये आपके उधर डिस्काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जो पिडलाइट वाले हैं ज़्यादा डिस्काउंट मिलता नहीं है पिडलाइट के आइटमों पे, क्योंकि इनके लगभग मार्केट में फिक्स प्राइस होता है। और ये कितने ml है, ये ml है 320 ml, यानी 210 ग्राम, काफ़ी बढ़िया तरह लिख रखा है इन्होंने। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके जो पैट्स होंगे या कोई बच्चे, तो उनकी पोज से थोड़ा दूर रखें। अब आप इसे का प्रेशर चेक करते हैं हम, तो ये यहाँ पे मेरा देखेंगे तो दरवाज़ा है, मैं यहीं पे हल्का सा स्प्रे करता हूँ। ये इसका नोजल है, नोजल को देख के कि कहीं आप गलती से कहीं और स्प्रे ना करें, तो ये आवाज़ सुनना, अगर आपको आवाज़ सुनाई दी हो तो काफ़ी हाई प्रेशर। आप इसको जो है थोड़ा सा शेक करके करें जहाँ पे भी यूज़ करना है। ये देखेंगे तो ये जो है दीमक है जो मेरी पार्किंग में निकलाई है। तो अब जो है ये पहले
मैं अभी इसको साफ कर चुका हूँ, मैंने कल साफ करी थी, आज मैं ये स्प्रे लाया हूँ। तो ये यहाँ तक ऊपर तक आ गई थी, जो ये लाइनिंग देख रहे हैं ये मैंने पानी से हटा दी थी। अब ये यहाँ पे दोबारा यहाँ तक एक दिन के अंदर यहाँ तक ये दीमक आ गई है। तो अभी मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको छेद नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं टर्मिनेटर का स्प्रे करूँगा ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट डे क्या रिजल्ट रहा। अभी हमने यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दिया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो नीचे तो टाइल लगी है लेकिन दीवार से दीमक ऊपर जा रही है। अब ये मैं इस पॉइंट पे स्प्रे कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक, ताकि हमें नेक्स्ट डे पता चले एक दिन में ये वापस आई या नहीं आई। मैं चेक करके दोबारा पोस्ट डालूंगा कि ये वापस कितनी ऊपर आती है दीमक। अभी मैंने जो है इसे यूज़ किया है स्प्रे को, नेक्स्ट डे 24 घंटे बाद देखता हूँ मैं कि वो दीमक दोबारा उसने डेवलप करना शुरू किया या नहीं किया, या इसकी जो स्मेल, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा स्मेल है। आप जब यूज़ करें तो मैं आपको सलाह दूंगा रात को मत यूज़ करना, क्योंकि अगर आपने रात को यूज़ किया तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप डे में यूज़ कर देते हैं तो आप इधर उधर नेक्स्ट कमरे में बैठ सकते हैं, तो आप इवनिंग तक आपकी जो है स्मेल थोड़ी लाइट हो जाएगी। मैंने अभी अपने कमरे में यूज़ किया, मैंने सिर्फ डोर पे वैसे मारा चेक करने के लिए प्रेशर, तो उसकी स्मेल कमरे में ज़्यादा होगी। तो इसलिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी इसकी रिज़ल्ट नेक्स्ट डे मेरे को पता चलेगा तो मैं नेक्स्ट डे आपको इसमें दिखाऊंगा कि दोबारा उसने डेवलप किया या नहीं किया। अगर आपके वुडन पे या आपके वुडन पे या दीवार पे दीमक आ रही हो तो आप टर्मिनेटर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से तो इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि एक ब्रांडेड चीज़ है, कंपनी की चीज़ है, ना कि कोई लोकल ब्रांड है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसी वीडियो और इससे अलग जो आपके लाइफ में काम आ सके ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।